फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। सफोला मसाला ओट्स, तो चलिए आज ये बनाते हैं मसाला ओट्स। तो चलिए हम बताएंगे मसाला ओट्स। तो मैंने पैन रख दिया है, इसमें पानी ऐड कर देते हैं। इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड, तो पानी को बॉईल कर लेते हैं। चलिए कट कर लेते हैं। चलिए इसे कट कर लेते हैं। पानी बॉईल हो गया इसमें, तो मैंने 1 कटोरी ओट्स के ले लेते हैं। इसमें सब कुछ ऐड है, तो चलिए इसका बना के देखते हैं आज टेस्ट। चलिए इसे मैंने निकाल लिया कटोरी में, तो पानी बॉईल हो रहा है, तो चलिए इसे हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड किया मैंने। तो आज मैं बनाऊंगी ओट्स 3 मिनट्स में कुक। वैसे मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही, अगर आप चाहो तो कुछ डालें, पर लेकिन इसमें ऑलरेडी सब कुछ है, इसलिए बहुत ही हेल्दी और आपके लिए, स्टमक के लिए अच्छा है, आपके लिए वेट लॉस जर्नी अगर आपने स्टार्ट करनी है आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए इसे, तो इन्हें बस 3 मिनट पकने देते हैं, तो ऑलरेडी कुक हो गए हैं। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं। तो चलिए अभी से हमें सर्व करते हैं। मैंने कुकम्बर सैलड के लिए, आप इसमें आप अपनी पसंद का सैलड यूज़ कर सकते हैं। मैंने लेमन ले लिया, हाफ टमाटर। तो चलिए इसे आप कट कर लीजिए, आपको जिस तरह की चॉइस है, स्लाइसेस या कटिंग पीसेस। देखो आई कटिंग पीसेस, स्मॉल स्मॉल पीसेस। तो सैलेड कट गया, ओट्स रेडी हैं, बहुत हेल्दी और आपको जितना चाहिए। रेडी हैं ओट्स, ओट्स और साथ में सैलेड, तो वो करिए इसे बहुत ही सुपर फूड। तो चलिए इसे करते हैं एंजॉय। तो चलिए इसे करिए ट्राई, यम्मी फूड, बहुत यम्मी यम्मी।